सतलोक की, पर इस जहाज से उतरियो मत, परमात्मा के मार्ग से वंचित मत होना। परमेश्वर कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, सौ काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। एक गुजरात के अंदर भरूच शहर है, भरूच शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक मंगलेश्वर गांव है, और मंगलेश्वर गांव से के साथ से नर्मदा नदी एक टापू बना देती है, वहाँ दो भाग होकर के फिर आगे जाके फिर इकट्ठी होकर के समुद्र में गिर जाती है। वो जो बीच का टापू है उस नर्मदा नदी के, वो एक पहले ग्राम के रूप में था, गांव था छोटा सा, पहले छोटे छोटे गांव होते थे 600 वर्ष पहले, 20-30 ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 ही झोंपड़ियाँ हुआ करती थी ग्रामों में। वहाँ ब्राह्मण वर्ग के ज़्यादा लोग रहते थे, ब्राह्मण वर्ण के, और एक जीवा तथा तत्वा, जिनको संत लैंग्वेज में जीवा तथा दत्ता बोलते हैं, वो दो भाई रहते थे, परमात्मा के बहुत प्रेमी थे, श्रद्धालु थे, अच्छी आत्मा थी। वे जहाँ भी सत्संग सुनते थे तो सभी ये कहा करते थे, ऋषि महर्षि मंडलेश्वर गुरु के भी, पूरे संत से नाम ले तो लाभ हो। अब उन्होंने, और फिर ये भी ज्ञान हुआ कि यदि पूर्ण संत प्राप्त नहीं हुआ, अधिकारी संत मिला नहीं, तो फिर इस जीवन का कोई फायदा नहीं, इस मनुष्य जीवन का कोई यूज नहीं जीने का। अब उन्होंने सोचा कि अभी पूरे गुरु की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, जिस भी संत के विचार सुनते हैं हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं, गदगद हो जाते हैं, आंखों से अश्रुपात शुरू हो जाता है, क्योंकि पुण्यात्मा जो परमात्मा के लिए भटक रहे हैं वो बहुत अच्छी आत्मा होती है, वो संतों के अंदर कुछ भी दोष नहीं देख सकते हैं, संतों के वचनों पर वो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करते, क्योंकि विद्यार्थी टीचर के वक्तव्य पर कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं किया करता। लेकिन जिस भी संत के पास जाते वो यही कहता कि पूर्ण संत से जो है पूर्ण लाभ मिलेगा, भक्ति लाभ मिलेगा। और फिर आखिर में सत्संग के दौरान, प्रवचनों के दौरान ये भी कह देते कि आज वर्तमान के अंदर मेरे पास जो साधना है वो किसी के पास नहीं। अन्य भक्तजन भी, उनके श्रद्धालु भी यही कह देते कि ये हमारे गुरुदेव के पास जो सत साधना है किसी के पास नहीं। जीवा और दत्ता दोनों भाई परमात्मा के बहुत प्रेमी थे, उनको चाह थी मालिक की। तो ऐसे ही वो बहुत से ऋषियों के, ब्राह्मणों के, बड़े बड़े मंडलेश्वरों के, बड़े काशी विद्यापीठ से पढ़े हुओं के विचार सुने, और प्रत्येक की यही विचार, और कहें कि पूर्ण संत से बात बनेगी, पूरे गुरु से मोक्ष होगा, अधूरे गुरुओं से जीवन नष्ट हो जाता है। उनके शिष्य भी यही फिर कहते कि आज के दिन ये पूर्ण गुरु हैं, परम संत हैं, बड़े विद्वान हैं, काशी विद्यापीठ पढ़कर आए हैं, उनके चक्कर पड़ गया उनके दिमाग में, भई हम किसने पूरा माने, जो भी जिसके विचार सुनते हैं हमें अच्छे लगते हैं, और प्रत्येक के अनुयायी यही कहते हैं कि ये हमारे गुरुजी आज के समय में पूर्ण गुरु हैं। अब उन्होंने सोचा कि हमारी बुद्धि काम करना बंद कर गई है कि पूर्ण थे, फिर ये विचार, जैसे ये गुरुजी कह रहे हैं मैं पूर्ण हूँ, ये पूर्ण है, तो इनके मंत्र ये हैं, दूसरा कह रहा है कि मैं पूर्ण हूँ, ये साधना कुछ और बता रहे हैं,
तीसरा कहता है ये पूर्ण है तो ये इस कुछ और मंत्र किसी और इष्ट की पूजा बताते हैं। उन्होंने क्या डिसीजन लिया, दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया कि भी मनुष्य जीवन प्राप्त बड़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि सत्संग विचार सुनने से इतनी प्रेरणा पुण्यात्माओं में स्वतः हो जाती है। उन्होंने क्या फैसला किया कि भी एक वट वृक्ष की, बड़ के पेड़ की एक टहनी, सूखी टहनी, और जैसे पौधा लगाते हैं ऐसे गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ दी, और सोचा कि महापुरुषों के जो भी ये कहते हैं ये पूर्ण गुरु है उनके चरण धोकर लाएंगे, उनके चरणामृत को इस वट वृक्ष की टहनी में डालेंगे, यदि ये हरी होगी, ये हरी होगी यानी ये इसमें कोपल फूट आई तो हम मान लेंगे कि ये पूर्ण गुरु है, अन्यथा नाम नहीं लेंगे। ये उन्होंने अपना एक पैमाना बना लिया पूरे गुरु के नापन का। वैसे ये कोई पैमाना नहीं होता, फिर भी परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा को जो तरफ रहे है भगवान के लिए, और तो वो उनको ढूंढते ही फिरते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया, सभी महापुरुषों के चरण धोकर लाते और वहाँ डाल देते, किसी को वैसे बुला लाते, घर पे भोजन कराते, चरण धोते, उसमें डाल देते गड्ढे में गमले में, कुछ नहीं हुआ। अंत में उन्होंने सोचा हे भगवान, हे समर्थ, आप ही दया करो मालिक, हम पर हमारी बुद्धि काम नहीं करती, और कहा कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा, कहीं हमारी अर्ज सुनता हो, या तो पूर्ण गुरु मिला दे, और नहीं परमात्मा इस शरीर को हमारे दोनों भाइयों का जीवन अंत कर दे, और ये बचा हुआ हमारा जीवन मनुष्य का जितना भी शेष है उस समय प्रदान कर देना परमेश्वर, जिस समय पृथ्वी पर कोई पूर्ण संत आया हुआ हो। अब उन्होंने सोच लिया कि अभी पृथ्वी पर कोई संत नहीं, पूर्ण संत नहीं, ये सोचकर बहुत दुखी रहने लगे, विलाप करते हैं, परमात्मा इस शरीर का अंत कर दो प्रभु, फिर जन्म देना जब कभी पृथ्वी पर पूर्ण संत हो, ऐसे बुरी तरह तड़फ रहे हैं। कहते हैं जहां जन से महिमा सुनूं तहां मैं गवन करंत, वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। कहते हैं जो बच्चा गौ की नजर में यो साई को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। वो परमेश्वर उसमें बनारस में काशी में विद्यमान थे, प्रकट हो रहे थे, सतलोक से आकर वहाँ एक दुलाहे धानक की लीला कर रहे थे, उसी गांव में जीवादत्ता के गांव में प्रकट हो गए, वहाँ चले गए एक साधु रूप में, और जीवादत्ता वाली गली से आगे निकलने लगे तो दत्ता बाहर खड़ा था, उसने महात्मा को देखा, चरण छुए, प्रणाम किया, महात्मा जी आगे को चले गए। अब दत्ता ने कहा जीवा, एक बहुत ही अच्छी आत्मा, एक संत देखा मैंने, आगे को चला गया, आपकी आज्ञा हो तो उनको बुला लाऊं मैं, उनके भी चरण धोकर देख लेंगे। अब जीवा ने कहा कि दत्ता मत, फिर दुख नया ना करे, रहने दे, कुछ भूल पड़ गई है, पृथ्वी पर संत नहीं है। अब परमात्मा प्रेरणा करते हैं, कहते दोनों तरफ आप ही खेलते हैं दाता। दत्ता ने कहा कि वैसे तो जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे, लेकिन मेरी आत्मा ऐसे मानती है कि ऐसा संत मैंने कभी देखा नहीं, उनको देखने मात्र से आत्मा गदगद हो रही थी, मेरे अंदर कुछ ऐसी उमंग सी उठ रही थी।
अब इधर गए हैं। अब जीवा ने सोचा मैं क्यों पाप का भागी बनूं, भैया चाहते हैं, कहा कि देख लो, अब बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। इतने में परमात्मा वापस आ गए, जैसे किसी का घर ढूंढ रहे हो। दत्ता ने प्रणाम किया कि हे भगवान, ये दास की झोंपड़ी है, दर्शन दिए भगवान, कुछ विचार सुनाना हमको। परमात्मा तो आए इसी उद्देश्य से थे। अच्छा भाई चलो, जैसा भी घर पे व्यवस्था थी उनको बैठने का स्थान दिया, कुछ मुड्डा वगैरह दे दिया, कोई स्टूल बना दिया। जीवा ने कहा कि दत्ता जा, कोई पात्र ला, थाली ला, संत जी के चरण धोएंगे। अब उसने दत्ता भाग के लाया वो कोई थाली प्रांत जैसे भी थी पात्र, और परमेश्वर कबीर जी के चरण धोए। जीवा ने कहा कि दत्ता संत के चरणामृत को कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं डालना होता, इसको पौधे में डाल दे। वो पौधा है ना, उनकी पहले सकीम थी, वो पौधे में डाल देना। एक अच्छा भैया। अब जो ही दत्ता लेकर गया और पानी डालने लगा उस थाली या प्रांत तसले में जो भी चरण धोए थे, गड्ढे में जहाँ पर वो सूखे वट वृक्ष की टहनी लगी हुई थी, वो चरणामृत डालते डालते ही उसमें कोपल फूट आई। अरे अरे पत्ते हो गए छोटे छोटे से। अब दत्ता ने कहा कि जीवा भाग के आ जा, भाग के आ जा। अब जीवा ने कहा क्या हो गया? अरे आ जा, देख क्या दिखाऊं तुझे। जाकर देखा दोनों भाइयों ने, सचमुच ये तो हरी भरी होगी। दोनों ने एक एक पैर पकड़ दिया और बुरी तरह रोने लगे। हे भगवान, हमने आपकी खोज थी। हे परमात्मा, हमने तो ये सोच लिया था पृथ्वी पर कोई संत नहीं रहे। हे भगवान, आप पहले क्यों नहीं आए? हे परमात्मा, हमारा तो एक एक श्वास मनुष्य जीवन व्यर्थ हो रहा था। आप परम संत हैं, आप परम संत हैं, हमने पहचान लिया। परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि क्या पहचान करी भाई तूने मेरी, मैं परम संत हूँ? कि भगवान, हमने ऐसे ऐसे सभी महापुरुषों के पास गए थे और हमारी समझ में आया नहीं कि कौन पूर्ण संत है। हमने एक अपना आप फैसला कर लिया कि जिस संत के चरण धोकर चरणामृत इसमें डालेंगे, वटवृक्ष की सूखी टहनी में, और उसके चरणामृत से ये हरी होगी, हम मान लेंगे वो परम संत है। परमात्मा कबीर जी ने कहा बेटा, ये परम संत की यानी तत्वदर्शी संत की पहचान नहीं है, ये कोई पहचान नहीं है जैसा आपने की है। लेकिन और बात रही कि मैं पहले क्यों नहीं आया, मैं आप पहले भी जाता क्योंकि आप मेरी प्यारी आत्मा हो और तुम्हारे लिए मैं भटक रहा हूं। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। मैं पहले भी आ जाता लेकिन काल तुम्हें फंसा लेता बेटा। मैं पहले आ जाता और मेरे चरणामृत से ये तो होना ही होना था जो तुम सोच रहे थे, लेकिन बेटा तुम्हारे मन में दोष रह जाता क्योंकि मैं एक सिंपल सा आदमी दिखूँ, आपने व्यक्ति सिंपल सा, और आपने सुन रखे थे मैं मंडलेश्वर बड़े गीता के मर्मज और मनीष शीर पता नहीं के क्यों उनके आगे उपमा और उपाधि लगा रखी है। आप फिर मुझे छोड़कर फिर ढूंढते फिरते शायद कोई और परम संत इससे भी अच्छा ना हो। और प्यारी आत्माओं, एक बार गुरु बनाने के उपरांत यदि आपकी आस्था किसी अन्य में शेष रह गई, आप अव्यभिचारी भक्ति नहीं कर रहे, आप व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे होगे, आपका नाम नष्ट हो जाएगा, गुरु से नाता खत्म हो जाएगा, आपका भक्ति बीज चलेगा नहीं बेटा। इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा ढील की कि तुम धक्के खा लो, भटक लो, देख लो नकलियों को, लेकिन तुम्हारा जो पैमाना था बेटा वो तो एक